Good morning, student. Welcome to ASA Education. Today we will do class 3rd EVS lesson 10. What is cooking? So let's begin chapter. Look at the picture. Color the spaces which have dots in them. What do you see? ये जो पिक्चर बना हुआ है फर्स्ट पेज पे इसको देखिए और जहां पर डॉट है उस स्पेस को आप कलर कर दीजिए. आपको क्या दिखाई देता है? जब हम सारे डॉट्स को कलर कर देंगे तो यहाँ पर हमें बर्तन बने हुए हैं, कुछ यूटेंसिल जो किचन में यूज होते हैं वो हमें साफ साफ दिखाई देंगे. वो वैसे भी हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन अगर आप डॉट को कलर कर दोगे तो उनकी शेप एकदम परफेक्टली निकल कर आ जाएगी. तो इसमें जो हमें बर्तन दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन से हैं, उसका जो नीचे स्पेस खाली है यहाँ पे नाम लिखना है. तो सबसे पहला जो हमें दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर वो है कढ़ाई. उसके बाद सेकंड नंबर पे जो दिखाई दे रहा है वो है तवा. थर्ड नंबर पे जो दिखाई दे रहा है वो है पैन. राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो ऊपर दिखाई दे रहा है मटके जैसी शेप का, वो है पॉट. और उसके नीचे प्रेशर कुकर. तो ये बर्तन हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं. इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग. ऊपर पिक्चर में आपको कुछ बर्तन दिखाई दिए हैं जो कि कुकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं. आर देयर एनी अदर यूटेंसिल यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग? क्या कोई और दूसरे यूटेंसिल हैं जो आपके किचन में इस्तेमाल होते हैं? विच आर दे, वो कौन से हैं? तो आपके किचन में जो भी बच्चों बर्तन इस्तेमाल होते हैं आप उनको लिख सकते हैं यहाँ पे. सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो आपको दूध दिया जाता है या मम्मी अपने लिए चाय बनाती है, तो वो किस में बनाती है? पैन में बनाती है. थोड़ा डीप पैन होता है जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया, उससे थोड़ा सा डीप होता है, गहरा होता है. तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं पैन. पैन में हमें दूध या चाय बना के दी जाती है. फिर सेकंड नंबर पे हम क्या लिख सकते हैं? फिर आपकी मम्मी क्या बनाती है? बनाती है फिर चपाती और सब्जी या पराठा और सब्जी. तो पराठा किस पे बनता है? तवे पे. और सब्जी बनती है कढ़ाई में, वो यूटेंसिल हम यहाँ पे लिख सकते हैं. कभी कभी सब्जी प्रेशर कुकर में बनती है तो वो लिख सकते हैं. इसके अलावा क्या होता है किचन में जो भी चीजें और इस्तेमाल की जाती हैं वो होता है भगोना, जिसको इंग्लिश में पॉट कहते हैं. पॉट उसमें दूध रखा जाता है, तो वो लिख सकते हैं. इसके अलावा जो भी आपको बर्तन आपके किचन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत मॉडर्न यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं, तो जो भी नए तरीके के बर्तन आपकी मम्मी यूज करती है किचन में आप उनको देखिए और अपनी मम्मी से उनका नाम पूछिए और वो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं. व्हाट आर यूटेंसिल मेड ऑफ? यूटेंसिल किससे बने होते हैं, किस चीज से बने होते हैं, क्या मटेरियल जो यूटेंसिल बनाने में यूज किया जाता है? तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे जो सारे जो बर्तन है ज्यादातर किसके बने होते हैं, स्टील के. तो सबसे पहले हम स्टील लिखेंगे. जो किचन में मैक्सिमम बर्तन यूज होते हैं वो स्टील के बनते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे स्टील. सेकंड, जो कुकर होता है घर में प्रेशर कुकर, व्हाइट कलर का होता है एकदम, जो व्हाइट कलर का मेटल होता है उसको हम एल्यूमिनियम कहते हैं. तो जितने भी घर में एकदम व्हाइट कलर के जो बर्तन होंगे, जैसे कोई कभी कभी भगोना है जिसमें दूध गर्म होता है और कुकर है, ये हम ज्यादातर एल्यूमिनियम का ही यूज करते हैं. कढ़ाई है तो सेकेंड जो बर्तन है किससे बना हुआ है, एल्यूमिनियम से. थर्ड हम देख सकते हैं बच्चों जो पूजा करने का जो स्थान होता है, जो मंदिर होता है, वहां पे जो बर्तन रखे होते हैं वो थोड़ा येलो से ऑरेंज से होते हैं. तो जो येलो ऑरेंज कलर का जो मटेरियल होता है, जो धातु होती है मेटल, उसको हम कहते हैं कॉपर. तो तीसरा हम लिखेंगे कॉपर. इसके अलावा क्या होता है, चाय पी जाती है कप में, या तो किससे बने होते हैं, कांच के. कांच के गिलास भी होते हैं जिसमें आप जूस पीते हो या लेमन वाटर पीते हो, नींबू पानी, तो कांच के बर्तन, ठीक है, ग्लास जिसको कह सकते हैं. फिर आता है लोहा. लोहे के बर्तन भी कभी कभी किचन में इस्तेमाल किए जाते हैं. तो यहाँ पे कौन कौन सी धातु आ गई जिसका हमने लिखा कि बर्तन किस किस से बने होते हैं? सबसे पहला स्टील, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है आयरन या लोहा, जो काले काले बर्तन होते हैं, जैसे कभी कभी कड़ाही लोहे की इस्तेमाल की जाती है किचन में. फिर है कॉपर और कांच या ग्लास. आज सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल वर यूज्ड अर्लियर. आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं, आपकी ग्रैंड मदर, आपके ग्रैंड फादर, उनसे आप पूछिए कि पहले किस तरीके के बर्तन को यूज किए जाते थे, वो किससे बने होते थे, एंड व्हाट वर दे मेड ऑफ, और वो किस चीज के बने होते थे. वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट. हम सभी चीजों को जो भी हम खाते हैं पकाते नहीं है. फाइंड आउट विच थिंग वी ईट रॉ. पता करिए कौन सी चीज है जिसको हम रॉ, रॉ मतलब कच्चा, बिना गैस पे पकाए जो मटेरियल होता है उसको रॉ कहा जाता है. तो कौन सी चीजें जो हम रॉ खाते हैं,
विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग, और कौन सी चीज है जिसको हम खाने से पहले पकाते हैं। विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक्ड एंड रॉ, और कौन सी चीजें हैं जिनको कि हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। फिल इन द टेबल गिवन बिलो, नीचे जो टेबल दी गई है उसमें वो आइटम आपको लिखने हैं। सबसे पहला कॉलम है थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, वो चीजें जिनको हम रॉ खाते हैं कच्चा। कच्चा खाने का मतलब है कि वो चीजें जो आप गए आपने उठाई और सीधे खा ली। ऐसी कौन सी चीज खाते हो बच्चों आप? ऐसी चीजें होती हैं फ्रूट्स, या तो आप पहले कॉलम में फ्रूट्स लिख सकते हैं या फिर कोई फ्रूट जो आपको पसंद है जो आप खाते हो, बनाना है, एप्पल है, ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरी है, व्हाटएवर यू वांट, आप यहाँ पे कुछ भी उसका नाम लिख सकते। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब दोपहर में लंच लेते हैं तो लंच में भी हम एक चीज है जो रॉ खाते हैं, वो क्या होती है? सैलेड। वेरी गुड। तो सैलेड हमें यहाँ पे सैलेड लिख सकते हैं या फिर सैलेड में जो आइटम यूज किए जाते हैं उसको लिख सकते हैं, जैसे कि कुकुम्बर। कुकुम्बर मीन्स खीरा, और उसमें क्या होता है सैलेड में? अनियन। अनियन मीन्स प्याज। फिर होता है टमाटो, टमाटो मीन्स टमाटर। फिर उसमें क्या होता है सैलेड में? रेडिश, कैरेट। ये सभी चीजें हम रॉ खाते हैं सैलेड में काट के, तो आप उनके नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर तीसरी चीज कौन सी है? वो होती है नट्स। ऑलमंड आप रॉ खाते हो, कैश्यू है, किशमिश है, ये सब चीजें पकाने के लिए भी डाली जाती है, हम रॉ भी खाते हैं। जब ठंड का मौसम होता है तो हम कैश्यू ऑलमंड्स रॉ खाते हैं, तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड कॉलम है थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, वो चीजें जिनको आप कुक करके खाते हो, तो वो कौन सी है? वो तो आप बहुत सारी लिख सकते हो, सारे दिन भर में जो भी चीज खाते हो आप, लंच में जो ले जाते हो वो आइटम लिख सकते हो। पराठा है, पूड़ी है, सब्जी है, फिर दोपहर में आप क्या खाते हो? दाल राइस खाते हो, वो लिख सकते हो, दाल है, राइस है। इसके अलावा जो भी चीजें आप पकी हुई पक्के खाते हो उनको आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर थर्ड कॉलम है थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, वो चीजें जो रॉ भी खाई जाती हैं और पका के भी खाई जाती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि आपने सैलेड में क्या खाता? रेडिश था, कैरेट था, टमाटो था, अनियन था, ये जो सैलेड में चीजें थी इनको हम पकाते भी हैं। आपने देखा होगा जब मम्मी दाल बनाती है तो उसमें टमाटो और अनियन डालती है, या सब्जी बनाती है तो उसमें टमाटो और अनियन डलता है, तो टमाटो अनियन हम रॉ भी खाते हैं और सब्जी और पल्सेस में डालकर भी खाते हैं। इसके अलावा रेडिश है, रेडिश गाजर की, मूली की सब्जी भी बनती है, तो गाजर और मूली को हम कच्चा भी खा लेते हैं और उसकी सब्जी भी बनती है। इसी तरीके से कॉर्न है, कॉर्न मतलब भुट्टा, तो कॉर्न को हम कच्चा भी खाते हैं और पका के भी खाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप, जो भी चीज कच्ची खाते हो और पका के भी खाते हो, आप यहाँ पे उन चीजों के नाम लिख सकते हो। मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया कि आप किस प्रकार से इस टेबल में नाम लिखेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हैव यू सीन चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स, क्या आपने कभी चपाती को बनते हुए देखा है किचन में या पर कहीं और, जैसे कहीं शादी में आप गए या कहीं होटल में आपने बनते हुए देखा है? देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस, इसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं चपाती बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? टेकिंग आउट फ्लावर इन अ यूटेंसिल, फ्लावर मतलब आटा, सबसे पहले हमें, यूटेंसिल मतलब बर्तन, सबसे पहले हमें बर्तन में आटा लेना पड़ता है। नीडिंग इट इंटू अ डो, नीड मतलब आटा मलना, और डो मतलब जो आटा मल के तैयार होता है उसको डो बोलते हैं, तो नीडिंग इट इंटू अ डो, उसको मलकर आटा बनाना पड़ता है। मेकिंग स्मॉल बॉल ऑफ द डो, और जो डो बन के तैयार हुआ, जो आटा मला हुआ है आपका, उसकी स्मॉल बॉल बनानी पड़ती है, छोटी छोटी राउंड। रोलिंग आउट द बॉल एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर, और उसको रोलिंग आउट करना पड़ता है, बेलन से बेलना पड़ता है सर्कल में गोल गोल, और फिर उसको तवे पे पकाना पड़ता है। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेस योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट, इस प्रकार बहुत सारे काम करने के बाद चपाती आपके प्लेट में पहुंचती है, यानी चपाती बनने के लिए इतने सारे काम करने पड़ते हैं तब जाके आपको चपाती खाने के लिए मिलती है। गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, किचन में जाइए और ऑब्जर्व करिए कि क्या बन रहा है, कुछ भी जो बन रहा है उसको ऑब्जर्व करिए। व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट, और पकाने के लिए क्या क्या काम किया गया है, राइट इट द सिक्वेंस, उसको सिक्वेंस में लिखिए। मान लीजिए कि आप किचन में गए और आपने देखा मम्मी आपकी राइस बना रही है, तो राइस कैसे बनते हैं? सबसे पहले राइस लिए प्लेट में, उसमें से पहले साफ किया, उसको देखा उसमें कोई कंकड़ तो नहीं है, कोई डस्ट तो नहीं है, उसको साफ किया, फिर हमने क्या करा, उसको वॉश करा साफ पानी से। वॉश करने के बाद क्या हुआ, उसको कुकर में डाला, कुकर में डालने के बाद उसमें पानी डाला, एक अमाउंट होता है पानी का जो मेजर करके डाला जाता है,
चावल के प्रपोर्शन में। तो पानी डाला, उसके बाद कुकर की लिड को बंद कर दिया और एक सीटी ले ली और चावल बन के तैयार हो गए। तो चावल कैसे बनते हैं, एक सीटी में बन जाते हैं। तो ये सिक्वेंस है कि पहले क्या काम किया गया, बाद में क्या काम किया गया। तो इस तरीके से सिक्वेंस में आपको लिखना है जो भी आप देख रहे हैं किचन में। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड, और उस आइटम का नाम लिखना ना भूलें जो चीज पक रही है। लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स की नोटबुक देखिए कि उन्होंने कौन सा आइटम किचन में पकते हुए देखा और उसका क्या सिक्वेंस था, एंड डिस्कस इन अ ग्रुप, और उसको ग्रुप में डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पे ये कॉलम दे रखा है नेम ऑफ द आइटम, उस आइटम का नाम लिखिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे राइस लिख सकते हैं क्योंकि वो इजी है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और नहीं तो इसके अलावा एक चीज है जो किचन में बहुत बार बनती है और जनरली आपने देखी भी होगी बनते हुए, वो होती है टी। टी मतलब चाय, चाय हमारी किचन में बहुत बार बनती है। तो यहाँ पे हम टी भी ले सकते हैं। टी का सीक्वेंस क्या होता है बच्चों, सबसे पहले पैन में पानी लेंगे, पानी में उसमें ऐड शुगर, दूसरे कॉलम में दूसरे नंबर पे लिखेंगे ऐड शुगर, फिर क्या लिखेंगे ऐड, या तो हम उसमें जिंजर डालते हैं, अदरक, या फिर इलायची डालते हैं जिससे कि उसकी स्मेल अच्छी आए और उसका टेस्ट भी अच्छा हो। तो जिंजर या कार्डिमम, इलायची को कार्डिमम बोलते हैं, तो जिंजर या कार्डिमम लिखेंगे ऐड, फिर उसके बाद लिखेंगे ऐड टी लीव्स, चाय की पत्ती ऐड कर, देन ऐड मिल्क, और सिक्स कॉलम में लिखेंगे योर टी इज रेडी। तो आप टी का भी सिक्वेंस लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो सबसे आसान है राइस का। राइस का आप सिक्वेंस लिख सकते हैं, राइस में कुछ नहीं करना होता, राइस को वॉश करके बस कुकर में डालना होता है और एक सीटी लेनी होती है, एक विसल, तो वो सिक्वेंस लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यू हैव सीन दैट फूड आइटम आर कुक्ड इन अ वैरायटी ऑफ वे, आपने देखा है कि जो खाने के आइटम पकाए जाते हैं उनको अलग अलग तरीके से पकाए जाते हैं, यानी हर खाने की चीज को पकाने का एक डिफरेंट तरीका होता है। सम आर बेक्ड, कुछ चीजों को बेक किया जाता है, बेक कैसे किया जाता है, जैसे बिस्किट है, केक है, इनको बेक किया जाता है। सम आर फ्राइड, कुछ चीजों को फ्राइड कर देता है, फ्राई मतलब तलना तेल के अंदर। सम आर रोस्टेड, कुछ चीजों को रोस्ट किया जाता है, वाइल सम आर स्टीम्ड, और कुछ चीजों को भाप में पकाया, स्टीम मतलब होता है भाप, तो स्टीम्ड मतलब भाप में जो चीज पकाई जाती है। गिविन बिलो आर डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग, नीचे अलग अलग मेथड दे रखे कुकिंग के कि खाना अलग अलग प्रकार से कैसे बनाया जा सकता है। राइट द नेम ऑफ टू थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ दीज मेथड, और दो चीजों के आपको नाम लिखने हैं जो इस मेथड से पकाए जाते हैं। एड सम मोर मेथड ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट, और कुछ और मेथड हैं उनको लिस्ट में आप एड करिए अगर आपको पता है तो, एंड गिव एग्जाम्पल टू, और उनके एग्जाम्पल भी दीजिए। तो आइए टेबल देखते हैं, टेबल में क्या है। सबसे पहला है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है बच्चों, रोस्टिंग मतलब होता है किसी चीज को भूनना। तो भूनने में हम क्या होता है, जिन लोगों के चिकन खाया जाता है उनको पता है कि रोस्टेड चिकन होता है, तो चिकन रोस्ट करके बनाया जाता है। और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो चीज वो क्या रोस्ट करते हैं, भुट्टा, भुट्टा जो होता है कॉर्न, उसको हम रोस्ट करते हैं गैस के ऊपर रख के। तो जो चीज बिना ऑयल के पकाई जाती है आग में सीधे, उसको रोस्ट करना कहते हैं। इस तरीके से जो भी चीजें पकाई जाती हैं आप उसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं उन चीजों के नाम। दूसरा है बॉइलिंग। बॉइलिंग में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे घर में डेली होता है पटेटो। पटेटो को बॉइल करते हैं जिससे कि डेली हमारे आलू के पराठे, सैंडविच, कचौड़ी, ये सब चीजें बनती हैं। तो आलू डेली बॉइल होता है हमारे घर में। और दूसरी चीज क्या बॉइल होती है, आप लंच में हम क्या लेते हैं, राइस। तो राइस हमारे घर में डेली बॉइल होते हैं, तो बॉइलिंग में हम पटेटो और राइस लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको आपने जो भी चीज बॉइल होते हुए देखी है आप उसका नाम लिख सकते हैं। थर्ड वन है फ्राइंग। फ्राइंग मतलब तेल में किसी चीज को तलना, फ्राई करना। तो फ्राइंग में हम क्या लिख सकते हैं, जो जनरली हम खाते हैं वो होती है पूड़ी जो बनती है हमारे घर में, फिर होती है कचौड़ी। इसके अलावा छुट्टी के दिन क्या बनते हैं हमारे यहाँ, पकौड़े, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आलू के पकौड़े, प्याज के, पालक के, पनीर के, ठीक है, वो सारी चीजें बनती हैं। और क्या हो सकता है, समोसा। जो भी चीज तेल में डिप करके बनाई जाती है वो सभी फ्राइंग में आती है। तो आपने जो भी चीज ऐसी कोई देखी है जो तेल में डिप करके बनाई जा रही है तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है बेकिंग। बेकिंग मतलब बेक करके। बेक करके क्या बनाया जाता है, केक, ठीक है। इसलिए जो जहां पर केक मिलता है उस जगह को हम बेकरी कहते हैं। उसका नाम बेकरी इसीलिए पड़ा है क्योंकि जो भी आइटम वहां पर बिक रहा है या मिल रहा है वो सब बेक करके बनाया गया है। तो बेकरी में आपने देखा होगा जाके क्या क्या देखा है आपने, वहां पे केक मिलता है, और क्या मिलती है, कुकीज, बिस्किट मिलती है क्योंकि वो भी बेक करके बनाई जाती है, और क्या मिलता है, डिफरेंट टाइप के केक, ब्रेड जैसे, तो ब्रेड जो है वो भी बेक करके बनाई जाती है। इसके अलावा जो भी आपको बेकरी में आइटम दिखाई देता है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
अब दो कॉलम खाली है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें एक में हम लिख सकते हैं स्टीम, जो ऊपर बताया भी गया है कि कुछ फूड जो है स्टीम करके बनाए जाते हैं, तो हम यहाँ पे स्टीमिंग लिख सकते हैं। स्टीमिंग का मतलब होता है, स्टीम का मतलब होता है भाप, और स्टीमिंग मतलब जो चीज भाप से पकाई जा रही है। भाप मतलब जो धुआं निकलता है, पानी उबलता है, जो धुआं निकलता है उसमें रखकर कोई चीज पकाई जा रही है। तो ऐसी चीज आपने ऑब्जर्व नहीं की होगी, लेकिन आप पूछ सकते हैं अपनी मम्मी से। वैसे क्या बनाया जाता है? इडली बनाई जाती है बच्चों, आपने खाई भी होगी कभी। तो इडली जो है वो स्टीम से बनाई जाती है। और क्या चीज बनाई जाती है? ढोकला बनाया जाता है, खमड़ बनाया जाता है स्टीम से। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो बनाई जाती हैं, ये चीज आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं। और लास्ट का जो ऑप्शन है, ये आप खुद सोचिएगा कि और कौन सा ऑप्शन है मेथड कुकिंग का जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके लिए आप अपने किसी भी बड़े की हेल्प ले सकते हैं।